क्लास सिक्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर एट ग्रुपिंग मटेरियल। लास्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ग्रुपिंग मटेरियल क्या होता, मटेरियल क्या होता, उसको ग्रुप करके जो आइटम बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपको, ग्रुपिंग मटेरियल कहलाए। हमने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मतलब अब उन सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है। सब्सटेंस हमने आपको जो बताए थे कौन कौन से बताए थे हमने आपको, लाइक है आपका मैग्नेट है, आयरन है, वाटर है, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके सब्सटेंस। तो अब इनकी सब्सटेंस की क्या पढ़ेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट हम लेंगे इसमें टॉपिक हार्डनेस। हार्डनेस में आपका दिया हुआ है बुक में आपका पेज नंबर 80 पर दिया हुआ है, 8080। फर्स्ट आपका हार्डनेस डिस्कस करते हैं हम। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, जब आप किसी भी मटेरियल को अपने हैंड से प्रेस करते हो, व्हेन ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो जो आपका हार्ड मटेरियल होता है वो कैसा रहता है, वो प्रेस नहीं होता या वो कंप्रेस नहीं होता, लेकिन जो आपका लूज मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस मतलब दब जाता है, उसका एरिया और वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप इससे पता कर सकते हो कि हमारा जो सब्सटेंस है वो हार्ड है या लॉस है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। आप एक मेटल की लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेटल की ली, आपने उससे किसी चीज़ पे स्क्रैच किया, तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी मेटल की थी उससे आपने किसी अदर मेटल पे जब स्क्रैच किया तो क्या हो गई, आपकी वहाँ पे स्क्रैचेस आ गई, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी हार्डनेस। सेकेंड देखेंगे हम इसे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरना और सिंकिंग मीन पानी में डूबना। सब्सटेंस की ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। व्हेन अ पीस ऑफ प्लास्टिक इज ड्रॉप्ड इन वाटर इट फ्लोट। जब आप किसी भी प्लास्टिक का टुकड़ा वाटर में डालते हो तो क्या होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट करता है मतलब ऊपर तैरता है, वो डूबता नहीं है, क्या, प्लास्टिक का टुकड़ा। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन इट विल सिंक। लेकिन जब आप किसी आयरन का पीस अगर वाटर में सिंक करते हो, उसको डुबोते हो, तो क्या हो जाता है, वो पानी के अंदर चला जाता है, मतलब वो उसमें डूब जाता है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लोटिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में या तो फ्लोट करते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में सिंक हो जाते हैं, मतलब कुछ तैरते हैं और कुछ उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब उन सब्सटेंस का वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर में सॉल्युबिलिटी मीन्स वो वाटर में मिक्स हो सकते हैं या वाटर में मिक्स नहीं हो सकते। तो कुछ आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं, तो वो कौन से सब्सटेंस कहलाते हैं आपके, सॉल्युबल सब्सटेंस। और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या है आपका, सॉल्युबल सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो है वो वाटर में इजीली क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाए, मतलब वाटर में वो घुल जाता है। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं स्टोन, तो स्टोन क्या है, वाटर में सिंक तो होता है लेकिन वो उसमें घुलता नहीं है। तो ये उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, मतलब वाटर में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आपको सॉलिड पार्टिकल की बात करें, सॉलिड पार्टिकल का हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट। सॉल्ट क्या है आपका, सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या है, इजीली वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। और स्टोन भी क्या है आपका, सॉलिड है लेकिन ये क्या होता है, सॉल्युबल नहीं है, श्रिंक तो होता है लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है। लिक्विड की बात करते हैं हम, अगर आपने अगर वाटर में सॉल्ट वाटर को मिलाया, शुगर वाटर को मिलाया, तो क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाए, मतलब वो दोनों टाइप वाटर भी लिक्विड है और आप किसी अदर लिक्विड को अगर उसमें मिक्स करते हो तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। गैसेस, तो गैसेस कैसी रहती है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, गैस जो होती है वाटर में सॉल्युबल नहीं होती एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी गैसेस वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होती है। आया समझ में, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स किसी भी सब्सटेंस या मेटल के आर पार दिखना, क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। इन केस वी आर एबल टू सी इजीली थ्रू मटेरियल, द मटेरियल इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि आप एक साइड से दूसरी साइड इजीली देख सकते हो, तो वो क्या कहलाती है आपकी, ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, ठीक है ना। और ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहलाता है। फिफ्थ हम इसमें देखेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट में देखेंगे
यू माइट हैव नोटिस वाइल वर्किंग इन द किचन दैट इफ यू हैव अ बीइंग स्पून इन अ पैन वाइल कुकिंग वेजिटेबल। आपने देखा होगा जब आप किचन में वेजिटेबल को कुक करते हो तो कुक करते टाइम जो आपकी पैन में जो आप स्पून को डालते हो तो वो स्पून का जो हैंडल रहता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उसमें हीट इजीली पास हो रही है। और ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट नहीं होता है, मतलब उसमें से हीट पास नहीं होती, तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है, बैड कंडक्टर ऑफ सब्सटेंस या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना, तो ये समझ में आया कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन मतलब किसी भी सब्सटेंस में हीट का क्या होना, कंडक्शन होना। कंडक्शन मीन्स आना हो जाना, मतलब किसी सब्सटेंस से हीट निकल सकती है या किसी सब्सटेंस में हीट पास हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, आया समझ में। सिक्स हम देखेंगे इसमें कम्बस्टेबिलिटी। कम्बस्टेबिलिटी मीन्स किसी भी चीज में फायर का लगना या ना लगना। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी बाय विच सर्टेन सब्सटेंस कैच फायर। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जिसमें कि सब्सटेंस क्या करता है, फायर को कैच करता है। फायर को कैच करना मीन आग पकड़ता है, व्हेन हीटेड गर्म होने पर वो आग पकड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कम्बस्टिबल। मतलब एयर की या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट में कोई सब्सटेंस हीट की प्रेजेंस में क्या करता है, फायर को कैच करता है, मतलब आग पकड़ता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्बस्टिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसमें आपका एक टॉपिक और दिया है यहाँ पे पेज नंबर 83 पे, अट्रैक्शन टूवर्ड मेटल। मतलब मेटल्स की तरह मैग्नेट का अट्रैक्शन कैसा है इन सब्सटेंस के साथ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल आर अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली टूवर्ड अ मैग्नेट, हाउएवर मोस्ट ऑफ मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट। अब आपने एग्जाम्पल घर पे किया होगा कभी कि जो आपकी मैग्नेट रहती है, मैग्नेट के साथ जो आपके कुछ आयरन मटेरियल रहते हैं, आयरन के जो सब्सटेंस रहते हैं वो उसकी साइड क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर स्टील की, तो स्टील क्या है, वो मैग्नेट से कॉन्टैक्ट में नहीं आते। क्यों, स्टील में आयरन की प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आते हैं या उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं जो मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। आया समझ में। इस यहाँ पर इसमें एक टॉपिक और दिया है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मेटल। हमने आपको अभी बताया ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अपोजिट डायरेक्ट में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 ग्रुपिंग मटेरियल कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था, दो वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड करेंगे, आप लोग घर पे नोट्स बना के चैप्टर 8 तक सारे के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। थैंक यू।